भाई को मैंने बोल तो दिया है कि थोड़े बहुत पैक कर दो, पर समझ ये नहीं आ रहा कि इनको लेके कैसे जाएंगे। भाई से पूछता हूँ, कुछ है इनके पास ले जाने के लिए? तो ये देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो आज मेरा योगा एक्सरसाइज हो चुका है, अब बारी है मंदिर जाने की। जैसा आप सब लोगों को पता है कि सोमवार को हम लोग मंदिर जाते हैं, बस अब हमने इसके बाद मंदिर जाना है। मैं थोड़ा बहुत नहा धो लेता हूँ, उसके बाद जाएंगे। नेहा तो चली गई थी योगा एक्सरसाइज करके, क्योंकि थोड़े बहुत घर के काम भी होते करने को। तो मैंने सोचा कि मैं भी कंप्लीट कर लेता हूँ, अब घर जाता हूँ। सबसे पहले तो इस व्लॉग को शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा देवी माता के दर्शन। जय हो तारा देवी माता, सब पे रक्षा बनाए रखना। क्या बात, आप योग एक्सरसाइज करके ऊपर भी आ गए? गुड मॉर्निंग। आपको देखने आई थी। आप नहा धो भी गए? बस प्रसाद बनाना है। बस ठीक है, मैं अभी तब तक नहा लूंगा जब तक आपका प्रसाद बनना, फिर उसके बाद चलेंगे। योगा एक्सरसाइज कर रहे थे अभी तक। और क्या, कसम खाया, मतलब मेरे से फिट दिखना चाहते हो? और क्या, जब एक बार शुरू हो गया तो क्यों छोड़ना है, मेरा ये मानना है। किसको खुशी नहीं होती कि उनका हस्बैंड हैंडसम है? और दिन डे बाय डे मैं और हैंडसम होऊंगा। अभी देखो आप, अभी आज तो मैं ग्रूमिंग करने भी जाऊंगा थोड़े बहुत, जो है ना मेरा। मैं सोच रही हूं कि आज मैं कलर करवाऊंगी। क्या करेगी, किस पे? आपके हेयर कलर। क्यों? नहीं नहीं यार, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद मत करना। क्या हो जाएगा उससे, 10 दिन बाद फिर वाइट हो जाना। अरे कुछ नहीं अच्छा लगता, ये एक मिथ होती है। सेटिस्फेक्शन आपको होनी चाहिए, दुनिया को नहीं होती। तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं वाइट बाल है मेरे। हैं, कलर करने में दिक्कत? केमिकल आई डोंट वांट टू यूज, आई हैव यूज्ड सो मच केमिकल। तो मैं चाहता हूँ जैसा रॉ है वैसा ही रहा जाए। अब आपके लिए मैं शुद्ध वो बनाऊंगी। क्या क्या बोलते हैं उसको, क्या बनाओगे? घरेलू नुस्खे वाले कलर। हाँ वो यूज कर सकता हूँ, बट नॉट केमिकल। फ्रेश हो जाओ। हाँ देखा, स्कूल में जय श्री राम के नारे लग रहे, और अभी हमें चाचू चाची मिले, वो भी बस निकल ही रहे। तो आज शायद वो भी लेट है, क्योंकि हम लोग भी मंदिर के लिए थोड़ा सा लेट है, ज़्यादा लेट तो नहीं। और नेहा आपका फ्रेंड भी चला है। हाँ, मैं देख रही हूँ। हेलो, चल वापसी में लाएंगे जब वापसी आएंगे। और जय श्री राम के नारे जो है वहाँ, देखो स्कूल में चली है पीटी, वहाँ पे लग रहे हैं। तो हम लोग घर वापस आ चुके हैं। आज इतना साफ इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपने किया है साफ है। मैंने भी किया है यहाँ पे, ये देखो ये जो सारा साफ है ये मैं एक जगह इकट्ठा कर दिया मैंने सारा साफ करके। अच्छा अभी मेरा बस शीशे का काम है, बस वो हो जाए फिर ये डस्ट उठवाना भी है मेरे को। जाते लोग हैं, सोचते होंगे यार कि कैसे गंदा रखते हैं, पर ये कि शाम के टाइम ना मैं जाऊंगी, मतलब ना इनको बोलूंगी अरे वालों को कि थोड़ा ना अपना अरे परे से ना साफ रखा करो। अपने लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए और देखने में भी अच्छा लगता है। अदरवाइज इतना गंदा लगता है, इतनी मिट्टी मिट्टी होती है, और इतना लोग भी आते हैं ना यार, सोचते होंगे अपनी बिल्डिंग नहीं साफ रख सकते। तो नहीं, पर अच्छा लग रहा है, बहुत साफ हो गई है, मिट्टी डस्ट जितनी भी थी चली गई है। क्या बात, आज आप मेरे को टक्कर देने वाले हो? हाँ नहीं, टक्कर तो नहीं, चलो पहन लेती हूँ, कंफर्टेबल है ना ये पहन सकते हैं। नेहा ने जैसे ही देखा कि बंदा आज कुछ ज्यादा ही सज धज के जा रहा है, तो फटाफट एकदम। हाँ तो अब आप ही सज सकते हो, मैं भी सज सकती हूँ, मैं इंडियन भी पहन सकती हूँ, वेस्टर्न भी पहन सकती हूँ। आप ये बताओ, आपको काम है आज? हाँ। आपको भी जाना है सलून? हाँ। आप अपने वाले में जाओगे? 10 मिनट का काम है, पहले आपके सलून प्रसाद मिल गया, पहले आपके सलून चलते हैं, फिर रास्ते में ही, क्योंकि मेरी भी वो क्रीम्स खत्म हो गई है काफी टाइम बाद, मुझे भी वो लेनी है, उनके पास स्टॉक रहा नहीं है, तो मैंने बोला मेरे लिए तो रख देना प्लीज, बाकी अब जाके देखती हूँ, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है। चला, इसी लुक की बात अक्षय कर रहे थे, अभी थोड़ी दाढ़ी बढ़ गई और बाल बढ़ गए, अब जब कट कर देंगे तब ज्यादा अच्छे लगेंगे। मैं सोच रहा हूं आज नए तरीके से कटिंग करवाऊं। ओह लेट्स सी, वैसा हो पाएगा कि नहीं, वैसे सोचा है, भाई से पूछूंगा वहां जाके। और अभी चले? बिल्कुल, दिस इज माय, ये इन्होंने एसी के लिए कपड़े पहने ताकि गर्मी अंदर ठंड हवा चलती रहे, मजाक करिए। चले चलो। आज ना मेरा एक डाउट क्लियर हुआ है, मैं हमेशा सोचता था यार जो हमारी जिप्सी खड़ी थी यहाँ पे, वैगनार खड़ी होती है यार, इतनी डस्ट कैसे आ जाती, इतनी धूल, अलग ही धूल। फिर समझ में आया जब आज हम सुबह मंदिर आए थे ना, तो यहाँ पे सुबह सुबह झाड़ू लगता है ना, और वो जो झाड़ू से जितनी भी धूल है ना वो सारी गाड़ियों में चिपक जाती है जो आसपास वाली है। तभी ना सोचो यार, डेली धुलाने के बाद भी गाड़ियों के हाल इतने बुरे कैसे हो रहे हैं। तो ये तो एक फैक्ट है इसके पीछे, वो चीज तो होती है। अब इन्होंने भी सफाई करनी है, इनका काम है। हाँ। तो ये भी अपनी जगह सही है, हमारी गाड़ियां भी क्या करे, अब साइड में लगानी पड़ती है, कहीं जगह है नहीं है तो कुछ ना कुछ नुकसान तो हो गई। कवर हम नहीं करते तो गलती हमारी है, कवर कर भी नहीं सकते ना आप, डेली कवर करोगे तो फिर यहाँ पे मंकी और जो लंगूर होते हैं वो फिर इसको निकाल देते हैं।
फाड़ देते हैं, फाड़ देते हैं और फिर गंदा इतना कर देंगे तो इससे अच्छा लगाया नहीं। आज थोड़ा बादल हो गया तो शायद थोड़ी गर्मी से राहत मिल जाए। मैं बिल्कुल गर्मी डिक्लेयर करके चला हूँ, हाफ स्लीव, पता चला दिन के टाइम ठंड हो गई बीमार से। तो हमारे साथ हो चुका है धोखा, हम लोग भूल चुके थे कि राष्ट्रपति जी आए हैं तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे, तो अब हम फंस चुके हैं क्योंकि पार्किंग फुल है, यहाँ लगा नहीं सकते, सड़क पे लगा नहीं सकते, और अगर गाड़ी खड़ी कहीं नहीं होगी तो फिर ग्रूमिंग नहीं हो पाएगी, क्या करें। मुझे नहीं लगता हो पाएगी। अब एक बारी भैया से रिक्वेस्ट करके देखता हूँ कि कुछ टाइम के लिए लगाने दो, मेरे को सिर्फ आधे घंटे का काम है, पूछ लो। ये पता नहीं अलाउ करेंगे कि नहीं, पर मुझे लगता नहीं है, हमारे आगे वाली भी खड़ी करती। वाह क्या शानदार पार्किंग मिली है, ये देखो दो गाड़ियां ऐसे लगी, हमने लगाई है रैंप पे क्योंकि कहीं पे भी जगह नहीं है, जो भी सड़कों पे गाड़ी थी वो सारी अंदर कर दिया पार्किंग के। हाँ जी क्या देख रहे हो नजारा, वाह गाड़ी नहीं लगी है साइड में, वही देख रहे हैं। हाँ देखो सड़क आपको बिल्कुल क्लीन दिखेगी, कहीं पे भी कोई ट्रैफिक नहीं दिखेगा और गाड़ी फालतू कोई खड़ी नहीं रहेगी। तो हम लोग संजौली पहुंच चुके हैं, धूप अच्छी लगी है, काफी खूबसूरत नजारा आ रहा है। हाँ जी खोबलू कितना अच्छा बनाया हुआ है, खोबलू तो ये है जी खोबलू, आप यहाँ पे आ सकते हैं। कोई मुझे पूछ रहा था कि हिमाचली फूड कहाँ मिलेगा, तो सिड्डू अगर आपको खाने यहाँ पे मिल जाएगा, संजौली पे है ये बिल्कुल बस स्टॉप के साथ। चले अब एक घंटे की पूरी मेहनत के बाद मिस्टर अक्षय दिलैक बाहर आए हैं सलून से, तो आप बोल सकते हो और यंग हो गया मैं। नहीं नहीं अब नहीं लग रहा, इन्होंने थोड़ी अलग से दाढ़ी रखी है, जब मैंने क्योंकि मैंने करते हुए देखा नहीं, मैं फोन में लगी थी, मैंने जैसे देखा कि वाह, मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि घर वाले भी बोलते रहते हैं कि इतनी दाढ़ी रखता है, इतनी बियर्ड होती है, तो मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ा बहुत छोटा कर देते और कुछ नया ट्राई, कलर किया नहीं मतलब। हाँ अभी नहीं, अभी आगे देखूंगा, और स्पेक्स के हिसाब से आई थिंक ये ठीक जा रहा होगा, अदरवाइज वो मेरे को लंबे बाल के साथ तो ज्यादा मजा आ नहीं रहा था, मेरे को लग रहा है परे के लिए बहुत जाम लग गया है। सही बात है यार, ये तो क्या करें, करना तो कुछ नहीं है, जाना तो जाना ही है। ये कब तक पहुंचेंगे, अब जब मर्जी पहुंचेंगे, लंच टाइम भी हो गया है, चलो चलो निकलते हैं। अब एक और दिक्कत ये है कि जहाँ नेहा का सलून है वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने देंगे कि नहीं, वैसे मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा और बाईपास में कोशिश करूंगा कि मैं अपने लिए कहीं जगह देख लूं, अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ चलो फिर भी करवा लेना, बाईपास में थोड़ा आगे चला जाऊंगा। और हम लोगों को जाना है अभी कुफरी तक क्योंकि नारियल लेके आने हमें 5-6, हाँ। क्योंकि अच्छे होते हैं वो हेल्थ के लिए, तो हमने सोचा लेके आएंगे बल्क में। मैं नेहा को पहले भी बोल रहा था कि काफी सारे लेके चलते, सुबह सुबह उठ के नारियल पानी पीना अच्छा है, तो मानी नहीं, अब वापस जाना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं, कटिंग भी होगी इसी बहाने और थोड़ा सा घूम के भी आई जाएंगे। हाँ बिल्कुल, तो फिर बाकी अभी ट्रैफिक है तो चलते चलते मुझे लगता है आधा घंटा लग ही जाएगा परे के लिए। जो ये जाम था ये शायद यहाँ चौक तक ही था, अब यहाँ से आगे मेरे को लग नहीं रहा है अक्षय, वैसे यहाँ से आगे तो बिल्कुल खाली लग रहा है, वाह मजा आ गया ये तो। अब यहाँ से हम सीधा जा सकते हैं, देखो यहाँ पे भी ना अभी साइड में गाड़ियाँ कहीं नहीं लगाने दे रहे, नहीं अच्छा तो लग रहा है, क्लीन लग रहा है बिल्कुल, नहीं तो जगह जगह गाड़ियाँ होती है ना। तो ये है आप लोगों को संजौली के दर्शन, जिन लोगों को संजौली जो संजौली मिस करते हैं लोग, क्योंकि हम लोग भी मिस करते हैं, मैं तो क्या मिस करूंगा, खैर नेहा काफी ज्यादा मिस करती है संजौली को, तो हम लोग अक्सर आया करते हैं संजौली ताकि नेहा को भी ऐसा ना लगे कि भाई संजौली छूट चुका है, और हमारे लिए भी नया एरिया बन चुका है संजौली, और मैक्सिमम काम इधर ही कोई है। आपने सलून भी इधर ही देखा ना, तो फिर क्या कर, अब संजौली जो है ना शिमला का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है, जैसे मॉल रोड में लोग होते थे ना, हर चीज मिलती थी, घूमते थे, यहाँ पे भी हर एक सुविधाएं हैं, तो वाई नॉट संजौली, और घर भी नजदीक में होता है, जब मर्जी घूमो आओ और जाओ। हाँ तो वही ना, मैं तो सूट भी यहाँ देती हूँ घर में, अंकल आंटी मिलान मतलब अपनी बातें करने के चक्कर में तस्वीर लगा दिया। हेलो हाय बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे हिमाचल में ना, बहुत चलता है अपर एरिया में, गाड़ियाँ रोकेंगे और 5-10 मिनट तक गप्पे मारेंगे, भले ही जाम लग जाए कोई चक्कर नहीं। हाँ ये चलता, चलो आई होप आपको भी कहीं रुकने के लिए मिल जाए, ताकि मुझे सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और मैं फटाफट आ जाऊँ। ठीक है बाय, जल्दी आना। ठीक है मैं उधर बाईपास पे वेट करता हूँ, फोन करना फिर ऊपर को आऊंगा। ठीक है ना, ओके। मौसम आज काफी खूबसूरत है और नेहा को जाना है टनल के इस तरफ को, मेरे को निकलना है टनल से बाहर, तो बाईपास पे वेट कर लेता हूँ फिलहाल। तो पार्किंग ढूंढते ढूंढते मैं बहुत ज्यादा आगे आ चुका हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ यहीं पे साइड में गाड़ी में बैठ जाता हूँ और वेट करता हूँ नेहा का, क्योंकि यहाँ से आगे जाना बेवकूफी है, बहुत ज्यादा आगे हो जाएगा, तब तक मैं भी शायद नेहा फ्री हो जाएगी। अभी नेहा का फोन आया था कि उनके सलून में तो कोई है नहीं अभी, तो काफी टाइम लगेगा उन्हें, शायद 1-2 घंटा लगेगा आने में, तो हमने सोचा कि तब तक हम
कुफरी जाते वो काम कर लेंगे। तो मैं यहाँ टनल के पास वेट कर रहा हूँ नेहा का, पर अभी तक आई नहीं नेहा। मेरा काम तो खैर हुआ नहीं क्योंकि मेरी गलती है, मुझे फोन करके जाना चाहिए था, पर मुझे लगा शायद वो वहीं पे होंगे, पर वो विकास नगर गए हुए। मैं कहा चलो कोई नहीं, ये सही है, वो विकास नगर आए आप इधर आए। बहन का सलून भी है वहाँ पे। अच्छा, इस करके वो तो मुझे वही बोलते हैं कि आप वहाँ पे जाया करो। बट अब जब आपको किसी का हाथ अच्छा लग जाता है तब आपका मन नहीं करता है। सही बात, मैं अभी तभी यहीं पे आता हूँ। अब थ्रेडिंग करवानी थी, हो नहीं पाई, कल परसों देखूंगी। हाँ, फोन चलो फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। और सोचो आपकी उनके पास जो क्रीम्स थी वो तक नहीं रही है, छोटे वाली रही है। मैंने कहा आप एक काम करना, जब भी क्रीम्स आएगी एक बड़े वाली मेरे लिए रख देना। अच्छा। उसके बाद जो भी आएंगे आप उनको दे देना, मेरे लिए क्रीम नहीं बची है, वो इतनी ज्यादा सेल आउट हो गई है। मैं कहा चलो कोई नहीं, अभी हम छोटे वाली लेके आए हैं, तो अब चलते हैं कुफरी, अपना सामान भी ले आते हैं वहाँ से। मैंने बता दिया था कि अभी हम यहाँ से डायरेक्ट कुफरी जाएंगे क्योंकि काम तो हुआ नहीं नेहा का। हाँ, तो अभी ट्रैफिक नहीं लगना चाहिए, वैसे तो कोशिश कर रहे हैं पुलिस वाले के ट्रैफिक ना लगे, कंट्रोल कर रहे हैं, पर चलो। फिर मैंने छोटी सी अपनी शॉपिंग कर ली, मेरा आईलाइनर जो था वो खत्म हो गया था, तो लोग बोलते थे कि आप आईलाइनर लगाया करो, तो मुझे मैट का आईलाइनर मिल गया है, देखूंगी कैसा लगता है लगा के। देखते देखते मौसम भी खराब हो गया है। जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि मौसम खराब होने लग जाता है, तो अच्छी बात है ना। और नारियल पानी वाले भैया भी बस इस मोड में आगे एंड में है। बहुत दिन से, अभी मम्मी का कॉल भी आया था, गांव में भी सूखा पड़ रहा है, तो भगवान अगर बारिश हो जाती तो थोड़ा ठीक हो जाता, गर्मी भी थोड़ी कम हो जाती। वैसे भी बारिश हो या ना हो, फागो कुफरी साइड तो टेम्परेचर डाउन ही रहता है, यहाँ तो रहता ना, पर नीचे हमारे विकास नगर में तो बहुत मुश्किल हो जाती है, और गांव में भी बहुत गर्मी है। और सेबो भी, जो सेबों के लिए बारिश जरूरी है, तो भगवान जी प्लीज थोड़ी सी कृपा करके बारिश दे दीजिए। और यहाँ पे देखो कितना ज्यादा टूरिस्ट आया हुआ है, हर साइड में हर जगह गाड़ी है। ये किधर गए अपने नारियल पानी वाले भाई? आगे 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 मोड़ में। नहीं, अक्षय भूल गए थे, मैं नहीं भूलती, याद था, पता था अगले उसमें। मैं तो आपको ये चेक कर रहा था कि ये इतने स्मार्ट बनते हैं ना यार, आपकी याददाश्त चेक कर रहा था मैं। तो मलाई वाले ले जाने या फिर सिंपल वाले। मलाई कौन निकालेगा? हाँ ये भी है, तो मैं सोच रहा हूँ मलाई वाला अभी पी लेते हैं, बाकी साथ में जो ले जाने वो बिना मलाई वाले लेके जाते हैं। घर पे कोई ऐसा औजार नहीं है हमारे पास कि हम उसको खोल सके, तो यहीं से आधे खुलवा के जाने पड़ेंगे हमें। भैया से पूछ लेंगे कहीं खराब ना हो, कहीं ऐसा ना उसको ऊपर से उड़ा के फिर वो जल्दी पीना पड़ता हो, क्योंकि जो 5-6 होंगे तो 5-6 दिन तो लगेंगे। थैंक यू भैया। वाह, गरी वाले में ना देखो ये होता है, ऊपर ही गरी दिखाई देती है इतनी ज्यादा। तो नेहा ने उस टाइम मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी कि जो हम लेके गए थे यहाँ से कि उसमें गरी है, इतनी मेहनत से मैंने वो उसको फाड़ा भी और उसमें कुछ निकला नहीं। मजेदार, इसमें से इसकी गरी तो निकलवा लो। भाई को मैंने बोल तो दिया कि थोड़े बहुत पैक कर दो, पर समझ ये नहीं आ रहा कि इनको लेके कैसे जाएंगे। भाई से पूछता हूँ कुछ है इनके पास ले जाने के लिए। तो ये देखो, ये ऊपर से इनके हेड हटा दिए और जब आप स्ट्रॉ डाल के बस पीना ही बाकी है। वाह भैया, तो कट्टे में डाल रहे, बढ़िया भाई, बढ़िया, थैंक यू। नारियल तो हम लोगों ने ले लिए, तो सोचा कि यहाँ तक आए तो थोड़ा सा आगे घूम के आ जाते हैं। देखो याक, अगर आपने याक के साथ फोटो भी खिंचवानी है। नहीं, मैंने तो नहीं खिंचवानी, ये वो सीजन आ चुका है, अब हर जगह याक दिखाई देंगे आपको। तो क्या लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे तक जाते हैं ना, जब यहाँ तक आए इस हसीन वादियों में, नीचे तो वैसे भी टेम्परेचर ज्यादा है, तो थोड़ा सा ग्राउंड मार के ना आगे से टर्न ले लूंगा, फिर वापस चलते हैं। हमें कहाँ मौका मिल रहा है कुफरी बार बार आने का। नजदीक में सबसे ज्यादा फायदा हमें कुफरी का ही है, मौसम अच्छा रहता है, हरियाली ए नंबर, टूरिस्ट रहेगा, सब चीजें रहती है नजदीक में, तो एक अच्छी जगह है नजदीक में घूमने के लिए। मेरा तो यही है कि बारिश हो जाए थोड़ी सी, तो बढ़िया है। जिस हिसाब से मौसम हो रहा है, हो सकता है कि बारिश हो जाए, बस इसी चीज की देरी थी और जाम भी लग चुका है। अभी हम लोग छराबड़ा से नीचे आए, पता नहीं कब तक लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। नेहा बोल रही है कि एक बारी फोन करके पूछ लेती हूँ दीदी को आए, मैं बोल रहा हूँ पूछना है पूछ लो, मैं वेट कर लूंगा, 10 मिनट का काम तो है, अगर वो पहुंच चुके हैं। अगर वो नहीं पहुंचे हैं अभी तक, करती हूँ कॉल ना, चलो चल पड़ा ट्रैफिक। हाँ, अगर हाँ वही, अगर वो नहीं पहुंचे है फिर घर चलते, फिर तो ऑब्वियस ही बात है, तब तो रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने 20 मिनट बोला था, अब तो 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया। तो चलो, यहाँ पे देखो बैरियर्स लग चुकी है बीट्स कॉलेज के पास। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि यहाँ बैरियर्स क्यों लगे, और ये सारी गाड़ियां रोक दी गई है। शुक्र है हमारी साइड से नहीं रोका है ट्रैफिक, नहीं तो अभी हम लोग यहाँ पे भी नहीं पहुँचने। पता नहीं क्या हुआ होगा, ये बहुत लंबी लाइन है यार, मेरे को लगता है छोटी शिमला तक ही है। चलो फिलहाल हम चलते हैं।
मैं सब्जियां लेके आती हूँ, आप तब तक चलो। आपको लग रहा था ना बहुत हल्का है, बड़ा भारी है। चलो आप धीरे धीरे करके फिर। तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं। नेहा सही कह रही थी कि बहुत ज्यादा सूखा हो चुका है और इस वजह से जो है ना गर्मी भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर बारिश नहीं होगी तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा बागवान भाइयों को और हमें ये नुकसान है कि गर्मी बढ़ती रहेगी और टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज होगा। बाकी तो कुछ नहीं है, जो घूमना फिरना थोड़ा सा कम हो जाता है गर्मी में। तो बस अब लंच की तैयारी करते हैं। जैसा आपको पता है कि बाहर खाना हम लोगों ने थोड़ा सा अवॉइड किया है, तो घर पे अब देखते हैं क्या बनेगा जल्दी जल्दी में। ये रात के डिनर की तैयारी हो रही है। हाँ। क्या बना रहे हो? बीन्स आलू। अच्छा, और टाइम लगता है ना, तो मैंने कहा जब तक लंच बनना है तब तक मैं साथ-साथ ये भी काट के रख देती हूं। वैसे तो हम लोग लंच के लिए थोड़ा सा लेट हो गए, पर लंच करना इज इम्पोर्टेंट, मील क्यों स्किप करने जब घर पहुंच गए। तो क्या बना है? पुलाव बनाया मैंने। थैंक यू। मैं दही लेके आऊं? हाँ, दूध दही लेके आ जाओ तब तक। चलो ठीक है, मैं लेके आता हूँ। यहाँ नीचे बिल्ली जा रही है तो मैं सोच रहा हूँ इसको ऊपर बुलाऊं, पर यहाँ नहीं रही। इसको रास्ता ही नहीं पता लग रहा ऊपर कहाँ से आना है। सामान तो मैंने ले आ दिया है, पर जिस बिल्ली को मैं बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ बैठ गया। आजा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मैं बिट्टू, आ जा, कहाँ से आएगा? पर ऊपर आ जा, कहाँ से आएगा? हाँ बेटू, तेरे को ही बुला रहा हूँ। हाँ आप ही आओ, जल्दी आओ। हाँ हाँ, आपको ही बुला रहा हूँ, आ जाओ, आ जाओ बेटू, ऊपर आ जल्दी, वहाँ से आगे से आओ, आगे से। हाँ हाँ, आपको ही बुला रहा हूँ, आ जाओ, आप आओ, मैं आऊँ क्यों कर रहे हो, जल्दी आओ। मैं अभी वॉक कर रहा था तो मैंने अपने आसपास नोटिस किया कि यहाँ पे दो ब्रांड बहुत ज़्यादा है टंकियों के, जैसे हिमगंगा, देखो यहाँ पे है 1, 2, 3, ये तीन जगह हिमगंगा है, और ये देखो ये है जय भारत, एक ये हिमगंगा होगी, 4, एक जय भारत, 2 जय भारत, 3 जय भारत, 4 जय भारत, फिर उसके पीछे वाला 5, वो वहाँ 6 तो मैंने आपको यहीं पे गिना दिए, 6-7, एक ये जो है पड़ोस में जय भारत, ये दोनों अलग ब्रांड की टंकी हैं। वाह यार, तो आसपास बहुत सारी चीज़ें होती है जो नोटिस करने वाली होती है, हम डेली लाइफ में नोटिस नहीं करते, तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन अच्छी रखनी चाहिए और आसपास की चीज़ें नोटिस करनी चाहिए। ये फ्री का ही नॉलेज है, मेरे को नहीं पता था कि ये नाम की भी टंकियाँ होती है। मैं तो कर रहा हूँ अपने स्टेप काउंट्स पूरे, पर आप देख सकते हैं कि पीछे मौसम होने लगा है ख़राब। हमारा अनुमान सही था कि जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है तो हो सकता है मौसम ख़राब हो जाए, और जिस हिसाब से सूखा पड़ रहा है हर कोई चाहता भी है कि थोड़ी बूंदे जो है बारिश की आ जाए ताकि फसल के लिए भी अच्छा रहे। तो ये देख सकते हैं आप कितने काले घने बादल आ चुके हैं। बरसेगा कि नहीं ये तो नहीं पता, पर फिलहाल के लिए काले घने बादल आ गए तो यही बहुत ज़्यादा खुशी है, और इससे थोड़ी बहुत ना ठंडी हवाएं शुरू हो चुकी हैं यहाँ पे। मौसम देख के लग तो रहा था कि बारिश आ ही जाएगी, पर आ गई है, पर मेरे को लग रहा है कि जितनी जल्दी आई है उतनी जल्दी चली भी जाएगी। अभी तो बिल्कुल भी नीचे गीला नहीं हुआ है, बस थोड़ी थोड़ी है, बस थोड़ा ठंड कर दे और गांव में अच्छी बारिश हो जाए। यहां तो चलो अगर कम भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अक्षय मेरी हेल्प कर रहे हैं आटा गूंदने में। Yes. साथ में रसमलाई पूरी की पूरी खा ली है। थैंक यू। और ये बहुत बड़ा टास्क होता है आटा गूंदना, मैं आपको बताऊं। तो नेहा अपना काम कर रही थी, तो कल सुबह के लिए नेहा कुछ धमाकेदार तैयार कर रही है, वो कल ही बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये उसकी तैयारी कर रही थी, मैंने सोचा कि तब तक मैं आटा गूंद लेता हूं। और तब तक बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश भी लग गई, बस इतनी है ही, इसके बाद मेरे को नहीं लगता कि आएगा कुछ। और देखो साइड में धूप जैसा निकल, अरे तारा देवी माता के तो वहां पे धूप ही है। अच्छा वाह, अच्छा आटा गूंदा है आपने, परफेक्ट। हाथ भी बड़े बड़े है ना आपके। देखो ये मेरे को मम्मी ने सिखाया था और चाची ने भी, मतलब उज्जवल की मम्मी ने भी, कि इस पे भी आटा नहीं रहना चाहिए, हाथ पे भी नहीं, पूरा सफाई होनी चाहिए। तो मेरा हाथ देखो बिल्कुल साफ है, ये पूरा साफ है, थोड़ा रह गया बस अब वो करता हूँ। और जब मैं मुंबई में होता था तब भी मेरे को आटा गूंदना पड़ता था, चंडीगढ़ में भी, तो मतलब प्रैक्टिस बहुत है। बचपन से मम्मी मुझे ये देते थे कि चल भाई आटा गूंद ले। अब इसको ना ऐसे फैला देना पूरे उसमें ना, और ऊपर से पानी डाल देना। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करता हूँ, और मौसम का कोई पता नहीं है फिलहाल, धूप आ चुकी है, अभी लग रहा था कि अच्छी खासी बारिश आएगी, थोड़ा सा चाय पियेंगे, मजा करेंगे, पर प्लान करना पड़ेगा कैंसिल, काफी अच्छी धूप आ चुकी है। तो मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहे दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।